दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने द 100 के ड्राफ्ट से नाम वापस ले लिया है। दरअसल यूके में द 100 लीग होनी है, ऐसे में 100 प्लेयरों को ड्राफ्ट के लिए चुना गया था, जिसे कम से कम 1,00,000 पाउंड मिलने तय थे। इस ड्राफ्ट में हरभजन सिंह का भी नाम था। हरभजन ने इस ड्राफ्ट से नाम वापस लेते हुए कहा कि मेरे लिए IPL और चेन्नई सुपर किंग्स ही प्राथमिकता है। मैंने इसके साथ 2 अच्छे सीजन बिताए हैं और दोनों सीजन में CSK फाइनल खेली है, सो अभी मैं इसके लिए लगातार तीसरा सीजन खेलने के लिए तैयार हूँ। विदेशी लीग खेलने संबंधित BCCI के नियमों संबंधित जब हरभजन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे BCCI के रूप में पता है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। अगर किसी को लगता है कि BCCI के कारण मैंने ड्राफ्ट से अपना नाम वापस लिया तो लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैंने सिर्फ अपना नाम वापस लिया है। 100 गेंदों के इस कॉन्सेप्ट पर 39 साल के हरभजन सिंह ने कहा कि बेशक इस फॉर्मेट ने मुझे प्रभावित किया है, इसके नियम अच्छे हैं, मैं यहाँ कोई नियम तोड़ना नहीं चाहता। अगर नियम मुझे ये लीग खेलने की छूट देते हैं तो मैं यकीनन इस फॉर्मेट में खेलना चाहूँगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।